और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खुशहाल होंगे। तो इस जिंदगी की भागम भाग में जो सांपों को निकलने का सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में इन भैया ने हमें याद किया। किसने फोन किया था? इधर आओ, नाम बताओ अपना। ये सुधांशु है, ये ग्राम मसीदपुरवा के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के। इन्होंने फोन किया, ये काफी देर से सुबह से फोन कर रहे हैं, तो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई सर्प देखा गया है, तो उस सर्प को लेकर ये लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। तो ऐसे में इन भैया ने हमें याद किया उस सर्प की जान बचाने के लिए, पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए। तो मैं इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्राणी की जान बचाने के लिए। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, अभी निकल के दिखाते हैं कौन सा सर्प है, फिर बताते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये जो लोग हैं, एक बार कैमरे में कैद करना इन लोगों को, ये बहुत ही उत्सुक है इस सर्प को देखने के लिए। तो आप लोग वीडियो बने रहिए, अभी देखते हैं निकाल के कौन सा सर्प है। शांत रहो, शांत रहो, केवल शांत रहो, शांत रहो। आप कितनी नीचे तक गए ईंटे? ये तो कोबरे की है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो स्किन है ये कोबरे की है, इसको कैचुली बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो सर्प है, सर्प के ये अंडे हैं। भैया आप वहां थे तो दूर रहो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, दूरी बना के रखो। भैया एक डब्बा मंगा लो, डब्बा। भैया दूर रहो, सभी लोग शांत रहो, शांत रहो सब लोग। भैया हटो यहाँ से, हटो हटो हटो। शांत रहो, शांत रहो सब लोग, शांत रहो। जैसा कि आप लोगों को बता दें ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, न्यूरोटॉक्सिस का वेनम है। शांत रहो सब लोग, चुप रहो। शांत रहो, शांत रहो, जाने दो, जाने दो, कहीं नहीं जाएगी। जैसा कि आप लोगों को बता दें ये न्यूरोटॉक्सिस का वेनम स्नेक है। शांत रहो, दूर हटो भैया। तो ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, जब भी ये सर्प काट ले आप सीधे जिला अस्पताल जाएं। बिरवा पीने पिलाने के चक्कर में अक्सर लोगों की जान चली जाती है, ऐसे अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। और ये भागने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित है। ला भैया डब्बा लाओ, ये नहीं, बड़ा लाओ, बड़ा लाओ भैया। डिब्बा और
शांत रहो, शोर मत मचाओ भैया, आप लोग शोर मत मचाओ। ना ना कुछ लिख नहीं है, एक और रहता हो भाई, डिब्बा जरूर देखो भैया, वो जो डब्बा है डब्बे में ढक्कन लगाना, डब्बा कहाँ गया भैया, डब्बे में ये ढक्कन लगाओ। जब ये सर्प काट लेता है तो ये नर्वस सिस्टम है जो नाड़ी तंत्र उसको प्रभावित करता है, तभी व्यक्ति की जान चली जाती है। ये सर्प और ये भारत का सबसे जहरीला सर्प है कामन करज, जिसे कोयलिया गड़ेता बोलते हैं, इससे वो 4-5 गुना ज्यादा जहरीला है। हाँ शांत रहो भैया। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल न करें, ये कार्य प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जाता है। तो ठीक है साथियों, इसको पैक करते हैं फिर लेकर चलते हैं दूर जंगल में। शांत रहो सब लोग। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल ना करें। शांत रहो, भैया वो ले आओ, तू जा बगैर ये ढक्कन खराब है, चलो कोई बात नहीं, ये डब्बा फटा भी है, दूसरा ना ये डब्बा मिला। तो ठीक है साथियों, और भी देख ये साथियों, बुलफिश स्नेक है, ये नॉन वेनमस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई जहर नहीं होता है, ये बुलफिश स्नेक है, इसमें कोई जहर नहीं होता है। बंद कर दे उरे मर्जी है भाई, साथ में छोड़ दे, आप लोगों को बता दें ये जो सर्प है ये भी बुलफिश स्नेक है, ये काटने के लिए ही बनाया गया है, जब भी इसको छुओगे ये तुरंत काट लेगा। हाँ भैया आ ही गया, पकड़ ही गया, और निकल रहा है अपन ही दम निकल चुके हैं, 4-5। शांत रहो भैया, सब लोग शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, दो बुलफिश स्नेक इस मलबे में निकले और एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, तो इन भैया की सूझबूझ से इन सर्पों की जान बची। तो इन सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्राणी की जान बचाने के लिए। तो आप लोग भी हमारे वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जाता है, और सांपों के बारे में पूर्णतया जानकारी करनी होती है।
तो जब भी कोई प्राणी सर्फ आप लोगों को दिखे, आप दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है आर के सर्फ में, उस पर जो दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर उस पर सूचित करें। हम जीवों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जीवों को मारा न जाए क्योंकि ये अपने इको बैलेंस बनाए रखने में पूर्णतया मदद करते हैं। इन जीवों के बिना मानव जीवन अधूरा है, मानव जीवन संभव नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा जीवों को बचाएं, जीवों पर दया करें, जीवों को बिल्कुल न मारें। तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर सूचित करें, तो जीवों को सदैव बचाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जीवों को बचाते हुए। एक बार कैमरे में पैक करके सभी लोगों को दिखाना। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दें, शिक्षित हों, सांपों के बारे में जानकारी करें। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में जीवों को बचाते हुए, लोगों को जानकारी करते हुए देते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।